सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। गीता स्वाध्याय की इस कक्षा में हम दूसरा अध्याय देख रहे थे और दूसरे अध्याय के हमारे 21 श्लोक होंगे। कल की कक्षा में हमारा कोई श्लोक तो नहीं हो पाया, किंतु एक बहुत सुंदर एक स्वस्थ चर्चा रही और उसमें हमने प्रयास किया कि कुछ शंकाएं जो इस प्रकार से उपस्थित हुई थी स्वाध्याय के समय या कुछ इतर भी थी, उनको उस रूप में देखा कि इनका समाधान क्या हो सकता है। और हमने आपसे ये भी निवेदित किया था कि हम जो भी कुछ कह रहे हैं ये हमारी विद्या बुद्धि स्थितियों आदि के आधार पर कह रहे हैं। ना हम कोई ऋषि हैं, ना हम कोई उच्च स्थिति प्राप्त स्थित प्रज्ञ हैं, किंतु जितना कुछ आज तक हम प्रयास कर पाए हैं परमात्मा की कृपा से जो हमें प्राप्त है, बस उसी को आप तक साझा करें। इतना तो कोई भी इसको उस रूप में ना ले कि बस ये ही अंतिम है। हमने कल भी कहा था, आज भी कहें, हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, जो भी हम श्रेष्ठ कर सकते हैं, उत्तम क्या हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ हम जिसको एक पंक्ति में कहूँ तो 100% देना। कहते ना, मैंने अपने सामर्थ्य का 100% दिया वहाँ पर। तो मैं भी इसी प्रकार से प्रयास कर रहा हूँ कि जैसी जैसी हमारी स्थितियाँ हैं उसके आधार पर मैं अपना पूरा प्रयत्न कर रही हूँ। ये प्रयत्न मेरे स्वयं के लिए भी है और आप लोगों के लिए, ठीक है। इसलिए आइए 21वें श्लोक को देख लेते हैं। ऊपर से चर्चा चलती आ रही थी, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमानिष। तो पुराण अर्थ से, पुराण शब्द से अर्थ करते हुए हमने कहा था कि सबसे प्राचीन यदि ऐसा है, ठीक है, क्योंकि यदि प्राचीन मानिए तो फिर ये अनादिहीन था। एक और प्रश्न आया था कि आचार्य जी आत्मा और परमात्मा, तो उसका भी समाधान कल एक बड़ी अच्छी स्थिति में होते। उन्होंने कहा था कि आत्मा और परमात्मा बाद में सृष्टि में होंगे तो वो फिर अनादि नहीं रहेंगे ऐसे। और 21वां श्लोक था, वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है क्या कि आत्मा अविनाशी अविनाशी नित्यम और एनम कैसा है, यह है अजम अव्यय अर्थात अजन्मा है, शाश्वत है और अव्यय। तो कथम स पुरुष पार्थ, कि ये पार्थ वो व्यक्ति ही कैसा, कम घातयति हंति कम, वह भला किसी को कैसे मार सकता या कैसे मरवा सकता। या इस बात को सुनकर के जब अर्जुन ये कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूं, तो अब तनिक देर के लिए हम अपने आप को धृतराष्ट्र की भूमिका में खड़ा करते हैं। तो धृतराष्ट्र देखो इस समय कितना प्रसन्न हो रहा है, यद्यपि धृतराष्ट्र अधर्म के पक्ष में, दुर्योधन समेत ये सभी लोग अधर्म के पक्ष में, किंतु तनिक देर के लिए यदि हम अपने आप को धृतराष्ट्र की भूमिका में खड़ा करें तो देखिए कितनी प्रसन्नता हो रही है ना धृतराष्ट्र को। क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो युद्ध होगा ही नहीं, और युद्ध नहीं होगा तो उन्होंने जो अन्यायपूर्वक अनीतिपूर्वक अधर्मपूर्वक जो भी कुछ किया उसको ऐसे के ऐसे एक अनवरत गति मिल जाए, अबाधित गति मिल जाए। और यही तो हमारे जीवन में भी होता है, जब हमारे अन्यायों को अत्याचारों का कोई प्रतिकार नहीं करता। हम सभी की बात कर रहा हूँ, स्वयं मेरे सहित, ये मत कहना कि आपको ही कह रहे हैं,
स्वयं मुझसे ही कह रहा हूँ, जब हमारे अन्यायों अत्याचारों अथवा जो धर्म से विमुख होकर के हम कोई भी कर्म करते हैं, यदि उनका कोई प्रतिकार ना करे, युद्ध का अर्थ देखे तो प्रतिकार, या कोई ना करे या मैं स्वयं भी ना करूं, मैं देखूं कि मैं यहाँ पर ये कार्य कर रहा हूँ, मैं स्वयं से प्रश्न पूछूं, क्या ये धर्मानुकूल है, क्या ये शास्त्र सम्मत है, क्या ये वेदानुकूल है, यदि हाँ तो ठीक है, मैं फिर धर्म की ओर खड़ा हूँ, मैं फिर पांडवों की ओर खड़ा हूँ, मैं श्री कृष्ण जी की ओर खड़ा हूँ, किंतु यदि मैं ऐसा नहीं हूँ तो क्या मैं स्वयं का प्रतिकार करता हूँ, नहीं करता, और यदि कोई मेरा प्रतिकार करे या मैं स्वयं अपना प्रतिकार करूँ तो धृतराष्ट्र ही की भांति मुझे कष्ट होता है, ठीक बिल्कुल दुर्योधन की भांति ही मुझे कष्ट होता है, और यदि कोई दूसरा प्रतिकार करे तो भी, और यदि कोई दूसरा प्रतिकार ना करे मैं भी प्रतिकार ना करूं तो क्या धृतराष्ट्र की तरह मुझे प्रसन्नता नहीं होती कि देखो मेरा अहंकार तृप्त हो रहा है, मेरा कहा मानते हैं, मेरे परिवार में किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने बोल जाए, मजाल है जो मेरे पति मेरे सामने कुछ बोल जाए, क्या हिम्मत जो मेरी पत्नी मुझे कुछ कह दे तो हम सब लोग धृतराष्ट्र की भूमिका में खड़े हैं, ये तो हम तो अपने आप को कुछ और ही समझ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं, तो देखिए इस धृतराष्ट्र के चश्मे को, इस दृष्टि को, इस दुर्योधन की स्थिति को, इन सब को हम सब सब कुछ हैं। प्राय प्रश्न आया करता है और उस पर हम चर्चा भी आगे करेंगे, एक प्रश्न आया करता है कि आचार्य जी ये जो श्री कृष्ण जी ने अपने आप को मैं ही सब कुछ हूँ, ये भी मैं हूँ, पहाड़ भी मैं हूँ, वृक्ष भी मैं हूँ, गाय भी मैं हूँ, तुम भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ इत्यादि, तो ये चर्चा प्रायः आया करती। तो देख लीजिए अब मैं तो स्वयं को भी कह रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ, आपको स्पष्टता से विचारपूर्वक, कोई जादू टोना नहीं करके, विचारपूर्वक आपको ये दिखा रहा हूँ, ये दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ श्री कृष्ण ही की भांति कि हम सभी अर्जुन भी हैं, हम सभी दुर्योधन भी हैं, हम सभी अश्वत्थामा भी हैं और हम सभी विकर्ण भी हैं, और कहीं ना कहीं हम सभी दुशासन भी हैं, और कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक शकुनी भी बैठा हुआ है, धृतराष्ट्र भी हम ही हैं। देखो जिन जिन भावों में हम जाते हैं वही तो हम हैं। अब इस आधार पर यदि आप देखिएगा तो सब कुछ मैं हूं और सब कुछ आप हैं, तो कृष्ण जी ने कौन सा गलत कहा था? चलिए आगे देखते, इन सारी स्थितियों को ठीक प्रकार से समझने के लिए और क्या त्याज्य है उसको त्यागने के लिए और क्या स्वीकार करने योग्य अर्थात स्वीकारणीय है उनको स्पष्ट देखने के लिए एक आगे श्लोक देखें, 22वां श्लोक। भगवान कृष्ण कहते हैं ये गीता का सारे ही रूप है, ठीक है, कहते हैं वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि। कह रहे हैं इसको पदच्छेद करेंगे तो तीसरी पंक्ति में, तो तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि, तो यहां पर ईगो एनर्जी लग करके जीर्णान्यन्यानि ऐसा हो, जीर्णानि अन्यानि पदच्छेद पूर्वक ऐसा होता है। अब इसका अर्थ देख लेते, देखिए कह रहे वासांसी वस्त्रों को जीर्ण पुराने तथा फटे होने पर यथा जिस प्रकार विहाय त्याग कर नवानी गृहणाति, नए वस्त्रों को ग्रहण करता है कौन? नरह मनुष्य, अपराणी अन्य मनुष्य और अन्य, देखिए तथा शरीराणि विहाय, ठीक उसी प्रकार से क्या है शरीराणि शरीरों को विहाय त्याग कर क्या करता है जीर्णानि वृद्ध तथा बिल्कुल जो सामर्थ्यहीन हो गई है ऐसे, यानी अब चेतना के लिए उनका कोई सार्थकता नहीं, व्यर्थ हो गए हैं वो ऐसे, तो जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ सामर्थ्यहीन जो देह है शरीर है, कह रहे हैं अन्यानि भिन्नः संयाति स्वीकार करता है,
नवानी नई देही, जिस देही शब्द का मैंने पीछे कहा था ना संकेत किया था, देखो यहाँ पर देही, देहधारी आत्मा, आत्मा देह धारण करता है, आत्मा करता है, ध्यान से समझिए, आत्मा देहों को शरीरों को धारण करता है, आत्मा चोले बदलता है, आत्मा शरीर रूपी वस्त्र पहनता है। और कैसे, देखो कितनी सुंदर उपमा दी गई है। मान लीजिए मैंने अपने लिए कोई वस्त्र लिया, अथवा मुझे किसी ने श्रद्धावशात कोई कटि वस्त्र आदि भेंट किया, आचार्य जी ये आपके लिए मेरी ओर से उपहार है, आदरणीय, मैं तो कुछ लेता नहीं, नहीं आचार्य जी बस एक छोटा सा उपहार, इसको तो आप स्वीकार करिए, चलिए मान लीजिए मैं ले लेता हूँ। अब वो वस्त्र को मैं कितने दिन तक प्रयोग कर पाऊँगा, वर्ष, दो वर्ष, पाँच वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष चला जाएगा। अब 10 वर्ष के बाद तो वो पुराना जीर्ण शीर्ण होकर के वो फटेगा ना, और वो फटेगा तो मुझे उसके प्रति कोई बहुत विशेष तो वो नहीं होगा ना कि अरे मुझे तो मेरे जो मुझे बहुत आदरणीय समझते उन्होंने दिया था इसको तो मैं अपने बिल्कुल चिपका के रखूँ, ऐसा तो नहीं ना। वस्त्र पुराना हो गया, फट गया, अच्छी अब ये या तो पोछे का काम करेगा या तो अन्य कोई कार्य, लेकिन पहनने योग्य तो नहीं रहा। क्या मुझे वस्त्रों के उस विनाश में कष्ट होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो शरीर रूपी जो वस्त्र है आत्मा का, ये जब विलीन होना चाहता, और कब विलीन होना चाहता, देखो ध्यान देना, एक माताजी का भी प्रश्न था चंद्रकांता माताजी का कि आचार्य जी असमय में मृत्यु, तो ऐसा तो कोई समय नहीं होता जो असमय मृत्यु हो, अकाल। तो एक चर्चा भी इसमें आती है कि जाति आयु और भोग, ऐसा जाति आयु भोग की दृष्टि से यदि देखेंगे तो उस रूप में और स्पष्ट आएंगे, और इस पर अभी चर्चा रखेंगे भी, किंतु इसको समझ लीजिए, ये नहीं कहा है कि स्वस्थ शरीर सामर्थ्यशाली शरीर छूटे, ये तो देखो इन्होंने भी नहीं कहा, इन्होंने भी क्या कहा, जीर्ण नींद। भगवान कृष्ण एक बात कह रहे हैं कि शरीर आत्मा से कब छूटे, जब जीर्ण हो जाए, जब वृद्ध हो जाए। अब जीर्ण कैसा होता है, तो वृद्ध सामर्थ्य जिसका बिल्कुल घट जाता है, अपने स्वयं के कार्य भी नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, स्नान नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कई बार तो अपने स्वयं के कार्य भी नहीं कर, ऐसी स्थिति में भगवान कह रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति में यदि वस्त्र छूटता है तो कष्ट वाली तो कोई बात ही नहीं। अब यदि ये कहें कि भाई यहाँ तो जीर्णा नहीं आ रहा था, तो वृद्ध होकर के बात की है, तब तो कष्ट नहीं होता, हृदय को हमें भी नहीं होता, हमारे यहाँ यदि कोई 100 वर्ष के ऊपर आयु पार करके किसी का यदि देहांत होता है तो उनको हम बड़े ही उल्लास के साथ उनके हम शव को लेकर के जाते हैं, और फिर बाद में समाज में एक संदेश देने के लिए, शुद्ध परंपरा यदि कि संदेश देने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता था कि हम इनसे प्रेरणा लें, इनका श्राद्ध करें, इनका तर्पण करें, क्या इन्होंने 100 वर्ष से अधिक आयु जी है, हम भी इनके जैसे संकल्प वाले हो गए, ये उनसे प्रेरणा लेना, ये उनके उनका श्राद्ध करना, तर्पण करना, इसलिए उनको जल देना उनको पिंडदान वाली स्थिति आती ना, तो पिंडदान और ये जो तर्पण आदि है साथ जल देना, जल देना था। उन्होंने जो इतनी लंबी सुदीर्घ आयु जी है और स्वस्थ जी है, उसको उस संकल्प को हम भी जाने और अपने जीवन में धारण करें। वास्तव में तो इसलिए लोगों को बुलाया जाता था, अब लोग आते हैं तो उनके लिए आतिथ्य या उस रूप में भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, लेकिन ये क्या चल गया, फिर 13वीं भोज, अच्छा जिसका सामर्थ्य नहीं है वो भी 13वीं भोज कराएगा। अब ये सामाजिक दबाव है, बेचारे के घर में खाने को रोटी नहीं है, वो अपना जैसे जैसे कर रहा, अब वो क्या करेगा 13वीं भोज कराना, क्योंकि परंपरा, और परंपरा का यदि निर्वहन नहीं करेगा तो क्या होगा, समाज ताने देकर के मार देगा, और उसको स्वयं ही, क्योंकि उसे पता नहीं है, ठीक मैं स्वयं देख रहा है स्थितियां, उसको ये लगा कि यदि मेरे माता या पिता या जो मेरे बड़े नहीं का बिना, और मैं यदि 13वीं अर्थात ये जो मृतक भोज नहीं कराऊंगा, जो इतना बड़ा होता है जिसमें इतना अधिक व्यय होता है, निरर्थक बिना मतलब है, लोगों के पेटों पेट को ठूस ठूस करके भरवाना बिना मतलब है, कोई सार्थकता नहीं वहां पर, अभी क्या करता है, उसको क्या विचार आता है, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे
क्या लगेगा बोलो तो जरा आप मुझे कोई जी बिल्कुल। अब इस पाप से बचने के लिए क्या करेगा, या तो ये अपना मकान बेचेगा, या तो उसके पास जो भी कुछ है इसकी संपत्ति होगी आपत्ति डालने के लिए बेचेगा, या किसी से कर्ज। अब सोचिए अपने पिता को जिसके जो पिता थे उनका कोई कर्म करने के लिए, उनके लाभ के लिए, उनकी थोड़े देर के लिए अभ्युक्रम से मान ले कि उनकी मुक्ति के लिए, वस्तुता मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। एक वीडियो डालेंगे आज, बड़ी सुंदर एक वीडियो बनाई थी कि चार धाम की यात्रा, हम बहुत प्रसन्न होते हैं चार धाम की यात्रा, तो वो वीडियो देखिएगा उसमें आपको बहुत सारी उत्तर मिलेगा। किंतु वो जिसको औपचारिक मुक्ति मान भी रहा है, औपचारिक सुख मान रहा है अपने बड़ों के लिए, अब इसको कर्ज लेना और कर्ज कब तक उतारेगा। कई बार तो ऐसा होता है व्यक्ति कर्ज लेकर के ऐसे कर्म करता है, आजीवन बेचा अपना पूरा जीवन लगा देता है, ना अपने बच्चों को सुख दे पाता, ना स्वयं को सुख दे पाता, उसके जीवन में शांति तो दूर दूर तक नहीं होती और पूरा जीवन उस कर्ज को उतारना उसका चला। और कई बार ऐसी स्थिति आती है ये बेचारा असहाय निस्सहाय होता, इसका घर भी उसके द्वारा जबरदस्ती या उस रूप में ले लिया। ऐसी तो यहाँ पर का तो कहा कि भाई जीवन आने का आपका ये प्रश्न हो सकता कि अच्छा कि वृद्ध होकर के जाए तो देखो हम भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि हम भी उस रूप में एक स्वस्थ परंपरा दिया जाती हो गई कि हम भी ढोल नगाड़े या उत्साह उल्लास पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करके आते हैं और फिर एक सभा का आयोजन करते हैं। ये तो शुद्ध स्वस्थ परंपरा थी, लेकिन आज विकृत हो गए आप कह सकते हो। तो ये जो जिसको आप अकाल मृत्यु कहते हो कि ये क्या है, तो देखिए वस्त्र तो हाँ वस्त्र तो वस्त्र ही होता है, चाहे वो नया हो अथवा पुराना। हाँ उसमें हमें थोड़ा सा एक अनुभव जरूर आता है कि ये मेरा नया वस्त्र फट गया या ये इसमें यहाँ पर स्क्रैच है। मान लीजिए कोई वस्त्र है और बाइक पर जा रहा हूँ मैं, या किसी वाहन में बैठा हूँ यात्रा कर रहा हूँ, इलज गया कहीं पर, धागे निकल गए, या कहीं उस तरह से कुछ कोना था कुछ इस तरह से कट गया फट गया, तो थोड़ा एक बार अनुभव में तो आता है अरे ये नया था। अब वहाँ पर ये अनुभव की सार्थकता क्या है, अर्थात वो जो अनुभव हो रहा है वो कष्ट को समझिए कि वो कष्ट किस रूप में लेना चाहिए। वो कष्ट वास्तव में इस रूप में होना चाहिए कि ये जो पदार्थ मुझे प्राप्त था मैं इसका पूरा सदुपयोग नहीं कर पाया, ये कष्ट है। लेकिन इस कष्ट को हमने किस रूप में ले लिया, अज्ञानता और अविद्या के कारण से आए गए मेरा तो सर्वनाश। वस्तुतः ये शुद्ध कष्ट नहीं है। शुद्ध कष्ट क्या है, इस वस्तु का मैं पूरी तरह सदुपयोग नहीं कर, ये और ये होना चाहिए। विद्वानों को भी होता है, मुझे भी होता है, यदि हमारे पास कोई पदार्थ हो कोई वस्तु हो और उसका मैं सदुपयोग ना कर पाऊँ तो मुझे भी कष्ट। तो वातान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संन्याति भवान्। अर्थात जैसे पुराने अथवा वस्त्रों को, क्योंकि वस्त्र जड़ है, वस्त्र क्या है, नॉन लिविंग आइटम्स, वस्त्र मेरे लिए है, मैं वस्त्रों के लिए नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर मुझ चेतना के लिए है, ये शरीर मुझ आत्मा के लिए, मैं इसके लिए नहीं हूँ केवल और केवल, ये मेरे लिए। ठीक है, और जिस दिन इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो आपके नौकरी के, आपके काम के, आपके बिजनेस के, व्यवसाय के, जिस भी कर्म भूमि में आप कर्म कर रहे हैं, आपके बहुत सारे समाधान, बहुत सारी समस्याओं के समाधान बड़े सुंदर आपको मिल जाएंगे कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ, जो भी मैं उत्तरदायित्व निभा रहा हूँ निभा रही हूँ, मैं संपूर्णता से इनके लिए नहीं हूँ, संपूर्ण स्थितियां मेरे इनके लिए नहीं, ये मेरे लिए, और इनसे भी मुझे आगे जाना चार धाम। ठीक है, वीडियो में जाऊंगा। एक बात आपके साथ और रख लेते हैं सैद्धांतिक, ये जो अकाल वाली बात है अकाल मृत्यु को लेकर के, तो इस जाति आयुर्भोग योग दर्शन इस पर बड़ी सुंदर एक स्वस्थ चर्चा है। तो आओ इसको भी आप जान लो कि ये जो अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है इसका वैदिक स्वरूप क्या है। जी देखिए
ओम आप सभी को नमस्ते। आचार्य राजेंद्र ने योग दर्शन के जिस सूत्र के विषय में कहा वहाँ उस सूत्र में तीन चीजों की व्याख्या है, तीन चीजों के विषय में बात, जाति आयु और भोग। एक कर्म फल के अनुसार जैसे पिछली कक्षा में एक बात आई थी जिसे खाना एक प्रोफेशन था, ये जो नित्य प्राप्ति होती है अकाल क्या वो सभी पहले से निश्चित होती है, क्या वो हमारे कर्मों का फल ही होता है हर प्रकार से, इसका समाधान देते हुए योग दर्शन में एक सूत्र है वहाँ से इसकी समिति लगा सकते, क्योंकि कर्मों के फल के रूप में आत्मा को तीन चीजें प्राप्त होती है, जाति आयु और भोग। एक तो आयु कोई से रूप में ले सकते हैं कि 50 साल की आयु, 60 साल की आयु, 85 साल की आयु, एक तो इस रूप में ले सकते हैं, किंतु वहाँ पे केवल ऐसा अर्थ उसका नहीं है। तो वहाँ पे आयु का क्या अर्थ है? आयु का अर्थ है वहाँ पर जीवन और जीवन से संबंधित संपूर्ण सामग्री, और जाति का अर्थ जाति अर्थात मनुष्य जाति, पशु जाति, मनुष्य में भी स्त्री जाति, पुरुष जाति। तो ये हमें हमारे कर्मों के फल के स्वरूप मिलती है, ये कर्मों का जैसा फल है उसके आधार पर मिलेगी, कर्माशय के आधार पर। आयु अर्थात जीवन और जीवन जीने के उपयोगी सामग्री, वो आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है, आपकी जेनेटिक इम्यून सिस्टम वगैरह कैसे हैं, आपके शरीर के अंग कैसे हैं, और आपको किस प्रकार का परिवेश मिला है, आपके माता पिता की क्या स्थिति है, आपके माता पिता जिस स्थिति में रहते हैं वहाँ पे वो क्या आर्थिक स्थिति रखते हैं, क्या उनके विद्या की स्थिति है, ये सारा का सारा मिला करके आयु में आ जाएगा। और इसके साथ आप उस आयु को भी जोड़ सकते हो जो आप वर्षों में काउंट करते हो, क्योंकि कौन जो शरीर प्राप्त हुआ है किस बालक को, वो कितना वर्ष जिएगा, ये बात निर्भर करती है कि उसकी जेनेटिक स्थिति क्या है, उसके इम्यून सिस्टम की स्थिति क्या है, उसके पास भोग के साधन क्या है। इस तरह की इन सब स्थितियों को लेकर के हमारा आयु का निर्धारण होता है। ये हो गया जाति आयु और भोग। भोग भी उसी प्रकार से कि जो कुछ भोग ऐसे होते हैं जो हमारे पहले ही निर्धारित हो जाते हैं, अर्थात शरीर की स्वस्थता आदि जैसी है उस प्रकार के हम शारीरिक भोग करेंगे। स्त्री और पुरुष के भी अलग अलग भोग होते हैं, जो अन्य जातियाँ होती हैं पशु आदि योनियाँ उनके भी अलग अलग भोग होते हैं। तो इस तरह से जाति आयु और भोग निर्धारित होते हैं। अब एक प्रश्न ये बच गया कि जो अकाल मृत्यु है उसको कैसे है? तो अभी उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि शरीर का आप उसको समझने के लिए वस्त्र को बताया गया। तो वस्त्र को कब छोड़ना होता है या वस्त्र कब छूटता है? जीर्ण होने पर। जीर्ण होने पर भी वो तब तक नहीं छूटता है जब तक उसको धारण करने की उसमें योग्यता बची है, अर्थात जब तक आप उसको पहन सकते हो। तो जीर्ण होने का अर्थ है कि अब उसको पहना नहीं जा सकता। जिस उद्देश्य के लिए वो है, यानी शरीर को ढकना या शरीर को सुरक्षा देना, अब उसमें वो कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उसको छोड़ना है। अब वो कैपेसिटी अर्थात शरीर को सुरक्षा ना दे पाने वाली जो स्थिति है उसकी, वो जब आपने वो वस्त्र खरीदा है उसके 10 साल बाद तब भी वो धीरे धीरे करके समाप्त हो सकती है और फट जाए, प्रेस करते टाइम पर जल जाए, या कुछ कोई अन्य उसके साथ ऐसी स्थिति हो जाए कि जिस दिन आपने उसको खरीदा है उसी दिन भी उसकी धारण करने वाली कैपेसिटी समाप्त हो सकती है। तो ठीक इसी तरह मनुष्य के शरीर के साथ है, आत्मा शरीर को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उस शरीर, वो है जो शरीर है वह उस आत्मा का धारण करने की स्थिति में ना रहे। शरीर छूटता ही तब है जब वह आत्मा को धारण नहीं कर सकता, अर्थात उस आत्मा को उसके भोग और कर्म, यानी भोग भोगने की और कर्म करने की, इन दोनों की जो उसकी प्रवृत्ति है उसमें सहयोग करने में समर्थ है, तब तक शरीर नहीं छूटता। छूटता कब है? जब उसकी सामर्थ्य नहीं बचती कि वो उस आत्मा को उसके भोग भोगवा सके या अन्य कर्म करने में उसका सहयोग कर सके। अब ये जो जीर्णता है
अर्थात ये जो उसकी क्षमता का ह्रास है, ये धीरे धीरे वृद्धावस्था की यात्रा तक भी हो सकता है, युवावस्था में कोई दुर्घटना होने पर भी हो सकता है, या उस आत्मा की ही अविद्या आदि के कारण, जैसे कुछ लोग हैं जो आत्महत्या के प्रयास में जहर खा लेते हैं या अन्य किसी प्रकार से अपने शरीर को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब की सब चीज़ें अगर एक रूप में देखें तो निश्चित हो सकती है, क्योंकि ईश्वर ने उसको जिस प्रकार की विद्या आदि स्थितियाँ दी है उन्हीं के आधार से वो अपने जीवन की रक्षा करता है। लेकिन फिर भी ये दूसरे के कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। एक आदमी है, विद्वान है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को ठीक से जानता समझता है और उसके अनुरूप चलने का आचरण करता है, लेकिन रोड पे जा रहा है किसी शराबी ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर ने उसको टक्कर मार दी। अब इसको क्या समझ, तो ईश्वरीय व्यवस्था में कार्य कर रहा था, शरीर भी स्वस्थ था, हस्त पुष्ट था, आगे अच्छा जीवन जीने वाला था, किंतु मृत्यु हो गई। तो ये दूसरे के कर्म का परिणाम है। अकाल मृत्यु नाम की कोई स्थिति नहीं होती, क्योंकि शरीर आत्मा को तभी छोड़ता है जब उसमें उसको धारण करने की क्षमता नहीं बचती। और दीर्घता का मतलब सिर्फ घिसना नहीं होता, उसको जो जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो है, अब उस उद्देश्य की पूर्ति करने में वो सक्षम नहीं है। आई थिंक आपके लिए कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जितना मुझे इसके विषय में पता था, जितना मेरा चिंतन था, मेरा स्वाध्याय था, उतना मैंने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। बाकी आप स्वयं चिंतन कीजिए, स्वयं स्वाध्याय कीजिए। जैसे अचानक से आपने बोला कि क्षतिपूर्ति हो जाती है, तो क्या उससे क्षतिपूर्ति होती है अगर ऐसे बंदे की मृत्यु होती है तो? कैसे कह रहे हैं? ठीक जी 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 बस बस रुकिए। जी म्यूट कर लीजिए प्रश्न पूछ करके। यहीं पर ये प्रश्न आपने पूछ लिया, चलो ये भी ठीक। क्षतिपूर्ति नहीं करते इसमें क्या प्रमाण, और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करने में उनका प्रयोजन क्या है? यदि किसी के साथ आपके अनुसार यदि किसी के साथ ऐसी दुर्घटना घटी और मान लीजिए परमात्मा ने उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की, तो परमात्मा को फिर आप न्यायकारी नहीं कह सकते, शुद्ध न्यायकारी नहीं कह सकते, जिसका स्वभाव ही न्याय हो। नहीं नहीं, ये तो फिर आप परमात्मा से पूछिए। ये प्रश्न तो आप परमात्मा से पूछिए, ठीक है, वही बता पाएंगे। जैसी जिसकी स्थितियां होती हैं उस प्रकार से उसको अन्य देह प्राप्त, ऐसा हम ठीक ठीक निर्धारण नहीं कर सकते कि कौन सी मिलेगी। जैसे उसकी कर्म स्थितियां होंगी और जो उनसे उसके संस्कार उद्बुद्ध हो रहे होंगे, संस्कारों की जो प्रबलता होगी उसके आधार पर उसको अन्य देह मिलेगी। अगले श्लोक को देखते हैं, तो एक बड़ी अच्छी चर्चा इसमें आ गई। जी जी, अभी हम 23वें श्लोक को लेने वाले हैं, दूसरे अध्याय के 23वां श्लोक। ठीक है, वो भी अभी बता दूंगा। तो 23वां श्लोक देखिए। और प्रायः जब मेरे जैसे लोग कभी शांति यज्ञ कराने जाते हैं कहीं परिवारों में, जिनके यहाँ किसी का देहांत हो गया होता है और उसके पश्चात कहीं शांति यज्ञ के लिए वो एक दिन बुलाते हैं, तो प्रायः मेरे जैसे लोग भी श्लोक को बड़ा बुलाए। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और इसको बोल करके हमें कई बार हम ऐसा अहंकार तृप्ति ले लेते हैं, मानो मैं तो बिल्कुल जीवन मुक्त हूँ, मुझे तो तनिक भी मृत्यु का भय ही नहीं, मैं तो शरीर को बिल्कुल वस्त्र की भांति समझता हूँ। हम लोग भी थोड़ा जी लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आइए वो श्लोक देख लीजिए, एक बड़ा सुंदर भाव है इसमें। जानकारी और जीना, ये दो पृथक स्थिति, जानने में और जीने में बड़ा अंतर है। जो मैं जानता हूँ वो मैं जीता नहीं हूँ, और जो मैं जीता हूँ
वो मेरी जानकारी के अनुसार उतना नहीं जितना मैं जानता। तो श्लोक देखिए, नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंती आपो न शोषयति मार्ग। पिछली वाली ही चर्चा को यहाँ पर ले रहे हैं। ये गीता का सार है वास्तव में। देखो गीता सार के रूप में क्या क्या आप देखते हो आप, तो कह रहे हैं नैनम छिंदंती, न एनम छिंदंती, इसको कभी नहीं, न नहीं एनम इसको, किसको, आत्मा, छिंदंती खंड खंड किया जा सकता, इसको छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा, शस्त्राणी हथियारों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, चाहे परमाणु बम ही क्यों ना डाल दिया जाए, आत्मा को छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। न एनम दहति पावक, कोई अग्नि भी उसको भस्म नहीं कर सकती। ठीक है भाई, कहते हैं ना कि यदि परमाणु बम हो तो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आग्नेय शरीर होते हैं जैसे सूर्य आदि जो ग्रह हैं, तो कहते हैं भाई यहाँ पर तो यदि हमारा शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर किस प्रकार के शरीर मिलने की संभावना, आग्नेय शरीर। जैसे यहाँ पर हमारे शरीर को क्या कहा जाता, पार्थिव शरीर, तो वहाँ पर कौन से शरीर होते होंगे आत्माओं के पास, आग्नेय। तो यदि पार्थिव शरीर सूर्य पर जाएंगे तो नष्ट होने ही, स्वाभाविक है। अब पार्थिव शरीरों को यानी पृथ्वी पर रह सकने वाले शरीरों को यदि कोई सूर्य पर लेकर के जाएगा तो ये तो बुद्धिमान नहीं होगा ना, लेकिन जो इन शरीरों को बनाने का सामर्थ्य जिसके भीतर हो वो तो जानता है ना कि कौन सा शरीर किस पर देना चाहिए। तो जैसे आपका एक प्रश्न आता है कि कहाँ पर जन्म मिलेगा, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कौन सा मिलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, कैसा शरीर मिलेगा ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो न एनम दहति पावक, कोई भी अग्नि, अरे परमाणु बम जिसको आप कहते हो, परमाणु हथियार जिसको कहते हो, ये तो छोड़ दीजिए। सूर्य पर प्रति सेकंड लाखों की संख्या में हाइड्रोजन शक्तियों का विस्फोट होना, हाइड्रोजन कितनी संख्या में जानते हैं, प्रति सेकंड वैज्ञानिक लोग, वर्तमान के विज्ञानवेत्ता बताते हैं कि प्रति सेकंड लाखों की संख्या में वहां पर हाइड्रोजन शक्ति का विस्फोट होना, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दो प्रकार की क्रियाएं प्रति सेकंड में लाखों करोड़ों की संख्या में होगी। ऐसी स्थिति में भी आत्मा का कुछ नहीं है, न एनम न एनम दहति पावक, कोई अग्नि नहीं करा। और आगे क्या है, न च और न एनम क्लेदयंती आप, क्लेदयंती आप, क्लेदयंती यानी भिगो सकता, गीला कर सकता। जैसे कहते हैं जल प्रलय आ गई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, और वहां पर तो नदी का बांध टूट गया, या बांध वहां पर टूटा और सौ चारों तरफ जल की जल। अब इसमें जो मृत्यु होती है, इसमें जो देहांत होते हैं, तो ये तो कहा आत्मा को भिगो भी नहीं सकता, संसार का कोई जल नहीं बना, कोई भी जल ऐसा नहीं जो आत्मा को भिगो सके, गीला कर सके। आपा कहते हैं जल, न शोषयति मारुता, और संसार की कोई भी वायु, वस्तुतः वायु शब्द पुल्लिंग है, तो संसार का कोई भी वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकता, इसको देखिए तो उपमा अर्थ में एक बात समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि आत्मा, ये जो आत्मा है कोई गीला है क्या, इसमें जल का कुछ मिश्रण है क्या, तो पीछे कहा था ना ये किसी से मिश्रित नहीं है, पंचभूतों से पृथक है, समस्त ता से पृथक है, बस अकेला है, एक ही है, अकेला है। प्रत्येक आत्मा एक है और अकेला है। यूं देखें तो बहुत आत्माएं, हम सबको नहीं कह सकते कि कुल कितनी आत्माएं, किंतु प्रत्येक आत्मा अपने लिए अकेला है। और सही बताऊं एक बात, यदि आप इसको सहन कर पाओ, जीवन की सार्थकता अकेले होनी, जीवन सार्थक ही तब होता जब आप अकेले हो जाए। अब अकेले किस रूप में, तो देखो भौतिकता की दृष्टि से नहीं, माता पिता पुत्र पत्नी संपत्ति घर बार इन सबसे अलग हो जाने का मतलब नहीं, चेतना के स्तर, जब आप चेतना के स्तर पर अपने आप को समझ लेते ना, ये है अकेला हो जाना,
ये है एकत्व, ये है एकता, ठीक है। तो आत्मा किसी शस्त्र के द्वारा उसको काटा नहीं जा सकता, कोई अग्नि से जला नहीं सकती और कोई भी जल इसे इसे गीला नहीं कर सकता, कोई वायु इसे सुखा नहीं सकती। कैसा है तो देखिए 24वां श्लोक। हाँ, ये जो जाति आयु भोग वाला सूत्र है ये द्वितीय योग दर्शन के द्वितीय अर्थात साधन पाद के 13वां ये सूत्र है। सती मूले तद विपा को जात्यायुर्भोगा, इस प्रकार का ये सूत्र। तो 24वां श्लोक देखिए, कह रहे हैं अछेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो अशोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थान चलो यम सनातन। अछेद्य, ये टूटने वाला भी नहीं, अछेद्य है, इसमें छिद्र नहीं, टूट नहीं सकता, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या है अयम, अयम अर्थात यह आत्मा, इस आत्मा के लिए क्या कहा अदाह्य और न जलाया जा सकता। वैसे तो पीछे भी कहा था कोई अग्नि नहीं जला सकती इसको, आत्मा को। तो प्रायः एक इस रूप में देख सकते हैं कि जब शव को, जब देह को हम भस्म करते हैं तो प्रायः समाज में की स्थिति आती है कि उसको तो हम जला आए। अच्छा, कुछ लोग मुख्यता से यदि देखें तो जो इस्लाम को मानने वाले हैं या जो सनातन से जो भी अलग है वो प्रायः क्या करते हैं, जैसे ओवैसी नाम का एक व्यक्ति है तो ये क्या कहता है कि तुम तो जला दिए जाओगे और फिजाओं में आवारा होंगे, हम मरते भी हैं तो 2 गज जमीन लेके मरते। उसका कहना क्या है कि हम तो अर्थात जो यदि सनातन को मानने वालों को मृत्यु होती तो ये तो जला दिए जाए, और इन लोगों का क्या है, इनका शरीर भी वहां भूमि में गाड़ दिया जाता है और ये आत्मा भी भूमि में गड़ जाते हैं। ये बताओ ऐसी बात, तो कह रहे हैं अदाह्य, ये जलाया नहीं जाए। उस मूर्ख को कोई बताए कि आत्मा नहीं जलता पगले, तुझे तो बालक भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अज्ञानी बालक होता है, तू तो दुष्ट है और दुष्ट का श्राद्ध भी करना चाहिए। जिस दिन अवसर मिलेगा जिस किसी को भी, उसमें कोई भी हो सकता तो उसका श्राद्ध अवश्य करेंगे, परमात्मा की ऐसी व्यवस्था में देखते हैं क्या होगा। तो आगे देखिए, अदाह्य ना जलाया जा सकने वाला अयम यह आत्मा अक्लेद्य, ये घुलता मिलता नहीं है किसी से, पानी में डूब जाए तो पानी में पानी जैसा हो जाएगा, दूध में डुबा दे तो दूध में घुल जाएगा, है पारे में डुबा दे तो पारे में घुल जाएगा, और अन्य किसी पदार्थ में डुबा दे तो घुलता मिलता नहीं है, अघुलनशील बिल्कुल एक जैसा रहने वाला, एक रस रहने वाला, और अशोष्य सुखाया भी नहीं जा सकता, इसको आप फूंक मार करके अग्नि पर या किसी भी रूप में या वॉशिंग मशीन में डाल करके भी इसको आप सुखा नहीं सकते कि चलो वॉशिंग मशीन में डाल करके थोड़ा सा ड्राई कर लेते, तो ये अनड्राइबल है, इसको आप सुखा नहीं सकते, अशोष्य ए बचा। निश्चय ही कैसा है, नित्य शाश्वत है, ये तो सदा से रहने वाला, बस ये तो है, बस आत्मा तो है, सदा से है और सदा है, सर्वगता और कैसा है, सर्वगता चहु और गमन करना, चहु अब गमन कैसे करता, तो जिस जिस प्रकार का शरीर इसको प्राप्त होता है उस रूप में गमन करता है, जिस जिस प्रकार की इसकी स्थिति होती है उस रूप में गमन करता है, और यदि मुक्ति को ले तो मुक्ति में भी एक जगह था तो बैठा नहीं रहता, वहां पर भी स्वतंत्र विचरण करता है, जहां से भी जहां भी जिस स्थिति में भी बिल्कुल मुक्त अवस्था में आनंदित होकर परमात्मा के, जैसे परमात्मा आनंद स्वरूप है ठीक उसी प्रकार से ये भी आनंद में मग्न होकर के स्वतंत्र विचरण करता है। तो कैसा, सर्वगता, अब सर्वगता शब्द का अर्थ वैसे इन्होंने सर्वव्यापी किया है, तो सर्वव्यापी आत्मा नहीं हो सकता, परमात्मा ही सर्वव्यापी। और तो और ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में बड़ी सुंदर चर्चा आती है वहां पर कि परमात्मा कैसा है,
ये सृष्टि भी सर्वव्यापक नहीं है, क्षमा चाहूंगा, ये जो प्रकृति है ये भी सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा इस प्रकृति से भी बड़ा। सृष्टि तो प्रकृति से मिलकर के सृजन का नाम है सृष्टि, तो परमात्मा को वहां पर क्या कहा है, पादोस्य त्रिपादस्य विश्वाभूतान इत्यादि उस रूप में। तो इसको क्या कह लिया कि अब देखो इससे क्या कल्पना बना करके, इसके इस वेद मंत्र से क्या कल्पना की, तीन पाद, और विष्णु जी ने क्या किया, तीन पाद में, तीन पगों में सारी भूमि को माप लिया, और किस राजा के छाती पर अपना पैर रख दिया था, राजा बिल्कुल सही। अब वेद के इस मंत्र का ठीक ठीक अर्थ ना जानने के कारण ऐसी कल्पोल कल्पना उन्होंने की, और उसको फिर एक नाट्य शास्त्र नाम की स्थिति है, यानी उसको अभिनय के द्वारा एक उस पर एक सीरियल बनाए, नाटक बनाया, उसको हमारे मनों में स्थापित कर दिया। वस्तुतः नाट्य शास्त्र को हम इग्नोर नहीं कर सकते, नाट्य शास्त्र एक रोचकता लाता है, शास्त्र जो है शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं, और इस सूखेपन को, इस शुष्कता को तनिक हटाने के लिए नाट्य शास्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार हम क्या होते हैं, जैसे बी आर चोपड़ा जी ने जो महाभारत बनाई थी उसमें जब हम कुछ देखते हैं, उसमें कहे गए जो भी उद्धरण हैं, जो भी उसमें वाक्य हैं, उनको लेकर के हम बिल्कुल अंतिम सत्य मान लेते हैं। रामायण बनाई थी रामानंद सागर ने, उसमें कई सारी स्थितियां ठीक है, कई सारी स्थितियां उन्होंने केवल जो दर्शक थे उनकी मांग पर बनाई थी, लेकिन उसको भी हम सत्य मान लेते हैं, उन घटना को भी। तो जो चित्रण होता है, जो अभिनय होता है, वो वस्तुतः उससे हमें समझना होता है, क्योंकि सीधी सी बात कहीं भी चले जाए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य किं करोति शास्त्र, शास्त्र भी उसका, नाटक भी उसका, चलचित्र भी उसका, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो रामायण है, ये जो महाभारत है, ये जो उपनिषद गंगा नाम के जो इस प्रकार के जो नाटक बने, चाणक्य जो बनाया था उस रूप में, पुराने वाले चाणक्य की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में तो ये जो अति में दिखाया जाता है, चाणक्य उड़ गया, इसने ये कर दिया, हाथी को पटक दिया, ये जो इस प्रकार की अनाप शनाप चीज़ें, ये तो इन दुष्टों के काम है, किंतु मैं पुराने वाले चाणक्य की बात कर रहा हूँ। तो ये नाट्य शास्त्र के आधार पर इन्होंने बड़ा सुंदर कहा है, और वहां पर भी हमें समझना है। तो कैसा है, सर्वगता चहुं ओर गमन करता है, जब तक बद्ध अवस्था में अर्थात कर्म बंधन में है, तब तक शरीरों के रूप में, देहों के रूप में, और जब कर्म बंधनों से पार हो जाता है तब बिल्कुल स्वतंत्र विचरण। तो सर्वगता चहुं ओर गमन कर रहे हैं, ऐसा अर्थ नहीं है इसको। और कैसा है, स्थानु अपरिवर्तनशील, कैसा है, अविकारी, आत्मा में विकार नहीं होता। मैंने पहले भी एक बार आपके साथ साझा किया था, विकार आत्मा में नहीं है, जिन साधनों से ये गमन कर रहा है वर्तमान में, वो गमन आदि हो रहा है इसका कर्म बंधनों से, और कर्म बंधनों के वशीभूत होकर के क्या स्थिति है, ये जो विकार है किसका है, चित्त में जो संस्कार है, जो वृत्तियां, वो है विकार, आत्मा का विकार नहीं है। इसके द्वारा किए गए कर्मों से संचित संस्कारों के आधार पर यह विकार है। और आगे कहा अचल चल है ना, स्थाणु अचलोयम, स्थाणु चलोयम, ऐसा तो स्थाणु स्थाणु अचल अयम पदच्छेद ऐसा करें, तो अचल यानी कैसा, क्या अचल शब्द का क्या किया है, जड़ किया, जड़ अयम यह आत्मा, अयम का देखे तो यह आत्मा, सनातन सदैव एक सा। अब अचला शब्द का इन्होंने क्या किया, जड़, तो क्या आत्मा जड़ है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, आत्मा तो स्थिर है ना, गमन अर्थ में है ना, अचल जो अचल शब्द है गमन अर्थ में इसकी भांति, तो कैसा है, स्थिर, जैसे कहते हैं ना ये तो अचल खड़ा है, बिल्कुल अटल खड़ा है, तो अटल का मतलब क्या होता है, स्थिर। तो ऐसे ही चलने फिरने वाले को क्या करते हैं, ये चलता फिरता है, और जो ना चले फिरे या जो अस्थिर हो उसको क्या कहेंगे, उसको तो कहेंगे चलने फिरने वाला है, और जो स्थिर उसके लिए क्या कहेंगे, अचल। तो अचल शब्द को लेंगे हम अर्थ में स्थिर, पूरा अर्थ देख लीजिए, तो कैसा ही आत्मा
यह आत्मा अखंडित है, टूटने वाली, अघुलनशील, इसे न तो जलाया जा सकता और न ही सुखाया जा सकता। कैसा है? शाश्वत है, चौहों ओर गमन करने वाला, अविकारी है, स्थिर है, सदैव एक सा रहने वाला, नित्य सनातन। यदि आप में से कोई जुड़े हों तो एक आचार्य हैं, आचार्य योगेश जी, उन्होंने सनातन शब्द का एक अर्थ किया था। एक बार उन्होंने कहा था कि सनातन के लिए उन्होंने तीन शब्दों का प्रयोग किया था कि एक होता है पुरातन, प्राचीनतम, और एक होता है नवीनतम। उन्होंने बड़ी बढ़िया परिभाषा दी कि जो प्राचीन से प्राचीन, जो पुराने से पुराना और नए से नया हो, वो है सनातन। तो यहाँ से देख लीजिए, ये उद्धरण आपको मिल गया। ये जो व्याख्या है उसका आधार है, आधार ही नहीं होते विद्वानों की व्याख्या, सभी व्याख्या कुछ ऊहा शक्ति से कल्पित करके भी प्रयोग किया जाता है, किंतु इसका हमें उदाहरण मिलता है इस रूप में कि सनातन बोले तो जो नित्य है, जो अनादि है, केवल एक जैसा रहने वाला सनातन है ऐसा भी नहीं है, केवल एक जैसा रहने वाला जो अनादि हो, जो शाश्वत हो, जिसका जन्म ना और जिसकी मृत्यु ना, वो है सनातन। अब देख लो, संसार में जितने भी मठ मंदिर संप्रदाय ये वो जितना भी तामझाम है, ये सभी बनाए गए हैं ना, ये सभी जन्मे हैं ना, तो कैसे संभव है कि इनका अंत नहीं होगा? और जो अंत वाला है, जो जन्मा है, वो सनातन कैसे हो सकता है? और सनातन शुद्ध परंपरा, शुद्ध संस्कृति, वस्तुतः क्या है? वैदिक संस्कृति ही सनातन शुद्ध संस्कृति, ये ही शुद्ध परंपरा है, ये है सनातन का वास्तविक स्वरूप। आज कुछ भी किया जा रहा है उसको क्या कह देते हैं? सनातन। भाई सनातन शब्द के अर्थ के अनुसार तो देखिए ना, क्या ये जन्मा नहीं है? क्या ये मंदिर परमात्मा ने बना के दिया था? क्या ये मठ परमात्मा ने बनाए हैं? क्या ये अखाड़े परमात्मा ने बना करके भेजे हैं? क्या ये जो भी स्थितियां हैं, क्या ये परमात्मा ने बनाए हैं? अरे और तो छोड़ो, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये जो नदियां हैं, ये झरने हैं, ये पेड़ पौधे, ये सब भी जन्मे हैं, ये सब भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। सनातन तो ये भी नहीं है। हाँ, जिस मूल मैटर से ये बने हैं वो सनातन, अर्थात प्रकृति। प्रकृति का ना जन्म हुआ है और ना उसकी मृत्यु, ये अवस्थांतरित तो होती है, अवस्था परिवर्तन होता है, इस समय सृष्टि इसको कहते हैं, ये इसकी विकृत अवस्था है। शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो प्रकृति की विकृति का नाम है सृष्टि, प्रकृति की विकृति का नाम है संसार। सम्यक सार जिसका हो, ऐसा जो होता है संसार, किसका सार है? तो प्रकृति का सार है। अब संसार शब्द ही बता रहा है, अब हम ना समझे तो किसका दोष है भाई? हमें समझना चाहिए था, सम्यक सार जिसका वो है संसार। अब किसका सार है संसार? आत्मा का या परमात्मा का? तो नहीं, प्रकृति। प्रकृति का बड़ा उत्कृष्ट सार है और ये परमात्मा के द्वारा ही संभव है, मनुष्य सृष्टि को नहीं बना सकता। तो जो अध्यात्म आदि से विमुख होना चाहते हैं, जो अपने आप को कहते नहीं कुछ नहीं होता, ये सब अनावश्यक है, तो इन प्रश्नों का यदि कभी हो, इन प्रश्नों को यदि उन्होंने कभी भी अपने भीतर जाने दिया, अकुला उठेंगे, बिलबिला उठेंगे, तिलमिला उठेंगे बुरी तरह से। अरे सारा जीवन इसने गवा दिया और ये इतने स्वाभाविक प्रश्न हैं। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आज हमने 24 श्लोकों तक देखा, आगे के हम कल की कक्षा में देखेंगे। आपके यदि कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो पूछ लीजिए। एक निवेदन और कर लेता हूँ, तनिक म्यूट करें। आप कई बार मुझे व्हाट्सएप पर प्रश्न भेजते हैं, तो आपसे निवेदन है कि यदि वो प्रश्न आप मुझे लिख करके भेजें, वॉइस रिकॉर्डिंग ना भेजें कृपया। यदि आप वो प्रश्न मुझे लिख करके भेजेंगे तो थोड़ी सरलता, ठीक है जी। अब आप अपने प्रश्न या कोई शंका आपकी है तो आप पूछ सकते हैं। संस्कृति जो शब्द है, या संस्कृत जो शब्द है, या संस्कार जो शब्द है,
इन तीनों में धातु और प्रत्ययों के आधार पर मैं बता देता हूं, सम उपसर्ग है, दुक्रिय करने धातु है, इनसे मिलकर के संस्कार, संस्कृत, संस्कृति आदि शब्द बनते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक सम्यक प्रकार, सम्यक प्रकारेण क्रियते यस्मिन सा संस्कृति, जिसमें सम्यक प्रकार से संस्कारित, सम्यक प्रकार से बहुत उत्तम प्रकार से, यानी उससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता, जहां पर ऐसी क्रियाएं, ऐसा संभव हो, जहां पर ऐसी गति संभव हो, वो है संस्कृति। सम्यक प्रकारे क्रिया, सम्यक प्रकारेण क्रियते यस्मिन या यस्याम सा क्रिया संस्कृति। ठीक है जी, जी फिर से बता देते हैं, सम उपसर्ग पूर्वक दुक्रिय करने धातु से संस्कृत, संस्कृति अथवा संस्कार आदि शब्द सिद्ध होते हैं। अब इसकी निरुक्ति अर्थात इसको कैसे समझें, इसका अर्थ कैसे लेंगे, तो संस्कृति को इस रूप में इसकी निरुक्ति कर रहा हूं, सम्यक प्रकारेण क्रियते यस्याम सा क्रिया संस्कृत, जिसमें सम्यक प्रकार से जो जो क्रियाएं, जो जो गति होती है सम्यक। अब सम्यक कैसा होता है, बिल्कुल एकदम, जिसकी गुणवत्ता कैसी हो, बहुत उत्तम। इससे ऐसे समझिए, दो चीजें होती हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी, मात्रा और गुणवत्ता। तो क्या हम प्रायः दो प्रकार के लोग होते हैं, एक को क्वांटिटी चाहिए अधिक, गुणवत्ता कैसी है, दूसरा एक व्यक्ति है उसको गुणवत्ता चाहिए चाहे क्वांटिटी कम हो। एक और व्यक्ति है वो कहता है क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए जितनी मेरी डिजर्वनेस। तो जो क्वांटिटी और क्वालिटी, गुणवत्ता और मात्रा दोनों से भरपूर हो, जिसमें दोनों गति कैसी हो रही है, गुणवत्ता और मात्रा दोनों जिसमें लबालब भरी हुई हो, ऐसी क्रियाएं, ऐसे कर्म, ऐसी स्थितियां, ऐसी गति, ऐसा गमन जिसमें संभव है, वो है संस्कृति, जो अपने आप में सम्यकता को धारण किए हो, क्वालिटी को धारण किए हो, और क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी कम नहीं है, यानी क्वालिटी कैसी है, एकदम उत्तम है, सर्वोत्तम क्वालिटी है, और क्वांटिटी भी कैसी है, कम नहीं है। दूध तो शुद्ध है लेकिन थोड़ा सा है, तो कमी रह गई ना, कमी रह गई ना, तो कैसे इसको लेंगे, दूध भी पर्याप्त है और शुद्ध है। अब एक व्यक्ति कहता नहीं मैं तो देसी गाय का ही लूंगा, एक कहता भाई कैसा भी मिल जाए, भैंस का भी चलेगा, लेकिन एक व्यक्ति की प्रतिज्ञा ना शुद्ध ये होता है वो भी देसी गाय का होता है, देसी गाय में भी इसका मैं लेता हूं। अब उसको कहेंगे भाई ये थोड़ा सा मिलेगा आपको 100 ग्राम, बोले कोई बात नहीं मैं इसी से काम चलाऊंगा, लेकिन कमी तो रह गई ना उसकी। अब देसी गाय का भी और जितना तू पी सकता है जम के पी तो जहां पर ये जम करके पिलाने वाली यानी तृप्तता जहां पर हो वो है संस्कृति। मैं समझता हूँ शायद अब आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जी अन्य किसी की कोई शंका, कोई प्रश्न? जी नमस्ते। देखिए सभ्यता शब्द जिस रूप में वर्तमान में प्रयोग है वो इसका रूढ़ी है। शब्दों के दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, कल्चर शब्द से लेंगे तो कल्चर एक अलग स्थिति है, उसको आप सभ्यता में काउंट नहीं कर सकते। सभ्य लोगों के द्वारा जो एकत्रित किया जाता है या सभ्य लोगों के द्वारा जो आरंभ किया जाता है वो होती है सभ्यता। अब यदि कहें औरंगजेब ने कोई सभ्यता चलाई थी, मंदिर तोड़ने वाले, अब इसको भी कोई सभ्यता कहें तो उसको क्या कहा जाए। अब कहें कि भाई ये जो मुगल थे, अकबर को महान बताया जाता है, इस अकबर के अकेले के हरम में, हरम बोलते हैं जहां पर उसकी पत्नी के अतिरिक्त अन्य एक पत्नी के अतिरिक्त जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं आप स्वयं जानते हैं, हजारों की संख्या में राजपुतानियां जिसके यहां रहती हूं, और वो अकबर महान है और अकबर की सभ्यता बताई जाती है, तो ये सभ्यता नहीं, ये एक अलग स्थिति या अपभ्रंश अर्थ में, रूढ़ अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो सभ्यता शब्द तो बड़ा सार्थक शब्द है किंतु
कल्चर किसी भी देश के हो सकते हैं, अपने अपने अलग हो सकते हैं, और आज यदि देखें तो आज कल्चर ही है हर जगह। आज प्रोग्राम ही तो किया जा रहा है हर किसी कल्चर शब्द जो आया है कल्ट से आया है, कल्ट यानी मान्यता है। कल्ट बोले तो एक प्रकार का समूह। अब जैसे नागालैंड में इस प्रकार की कुछ, अफ्रीका में इस प्रकार की कुछ आज भी जनजातियां हैं, वहां पर बहुत अलग प्रकार की स्थिति है, कल्ट है उनका, वो उन समूहों का अपना एक स्थितियां है। वो आज भी ना जाने किस किस प्रकार की ऐसी स्थितियां हैं, वो बीमार नहीं होते प्रायः, और उनका भोजन आप देखें तो मतलब भिन्नता सा भी घिनना चाहिए, और इतनी ऐसी स्थिति में वो कभी बीमार नहीं पड़ते। उनकी चिकित्सा के तरीके बहुत अलग हैं, आज भी वो नग्न रहते हैं इत्यादि। वहाँ आज तक कभी मतलब बलात्कार नाम की कोई स्थिति वहाँ है ही नहीं उस रूप में, क्योंकि प्रायः आकर्षण किसके प्रति होता है, छिपे हुए के प्रति, ढके हुए के प्रति, तो वहाँ कुछ ढका है ही नहीं। वहाँ आज तक एक एक भी मतलब अपवाद नहीं मिला कि वहाँ किसी के साथ बलात्कार हो, क्योंकि कुछ छिपा है ही नहीं वहाँ इत्यादि। तो इनको आप कल्ट कह सकते हो, इस्लाम कल्ट है, ठीक है। जितने भी ये मतपंथ संप्रदाय हैं इनको भी आप कह सकते हैं, ये भी समुदायों के द्वारा, समूहों के द्वारा स्थापित किए गए, इनको आप कल्ट कह सकते हो। संस्कृति तो वास्तव में एक, देखो वेद में एक शब्द आता है विश्ववारा, विश्ववारा शब्द है वहाँ, यानी जो संपूर्ण संसार को, संपूर्ण विश्व को जो धारण करने वाली होती, समग्रता को जो धारण करने वाली होती, संपूर्णता को जो धारण करने वाली होती है, वो संस्कृति है। कल्ट किसी एक वर्ग विशेष का हो सकता है, कल्चर किसी एक वर्ग विशेष का हो सकता है। इस रूप में वो तो मैंने कहा तो है संस्कारित कृति ही तो संस्कृति है, वो तो कहा तो है मैंने जी। पूरा वेद मंत्र है वो, वेद मंत्र तो मुझे वर्तमान में तो स्मरण नहीं है, बाद में कभी बताऊंगा देख करके, किंतु सा संस्कृति इस प्रकार से एक आता है कि विश्ववारा, कि हमारी संस्कृति कैसी है, विश्ववारा, वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही है। तो जो संपूर्ण समग्रता को धारण किए हो, जो मतलब जो बहुत व्यापक है, उसकी आप सीमा नहीं कह सकते, जो असीमित है, ऐसी होती है संस्कृति। कल्चर कोई भी हो सकता है। आज देखो शुद्ध परंपराएं विकृत होकर के इतनी ऐसी भयंकर स्थितियों में, तो इनको आप कल्ट कह लीजिए, ठीक है। जो धारण करने योग्य होता वो होती है संस्कृति, और जो धारण करने योग्य हो भी सकता है, जो धारण करने योग्य नहीं भी हो सकता वो हो सकता है कल्ट, वो हो सकता है कल्चर। अब स्पष्ट है चंद्रकांता माता जी? जी जी ठीक है जी, एक उत्तर देता प्रायः, ये बड़ा स्वाभाविक और एक स्वस्थ प्रश्न, इस प्रश्न का हमें स्वागत करना चाहिए। ऐसे कई लोग जब इस प्रश्न को करते हैं तो उनको या तो प्रायः धुतकार दिया जाता है या उनका अपमान किया जाता है, किंतु मैं इसको ठीक नहीं समझता। प्रायः एक प्रश्न आता है कि क्या महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था और युद्ध भूमि में सभी लोग खड़े हुए, तो क्या 18 अध्याय श्री कृष्ण जी ने कहे थे? अब 18 अध्यायों को कहने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए कितना समय लगा होगा? तो इतने समय तक वो जो दोनों सेनाएं थी वो क्या कर रही थी? ये एक बड़ा स्वाभाविक स्वस्थ प्रश्न, इस प्रश्न का स्वागत करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल करता हूं। देखिए भगवान कृष्ण जी ने गीता नहीं लिखी, ध्यान से समझिए, गीता भगवान कृष्ण जी का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं, भगवान कृष्ण जी का जो चरित्र था, उनकी जो योग्यता थी, वो जिस जिस स्थिति में जो जो कर रहे थे, उसको महर्षि व्यास ने एक ग्रंथ के द्वारा संकलित किया। और जब ग्रंथकर्ता किसी ग्रंथ को, कोई ऋषि, विद्वान और ऋषि में यह अंतर होता है,
ऋषि सत्य ही कहता है, वो बिल्कुल विशुद्ध सत्य को ही कहने का प्रयत्न करता है। वो बहुत अधिक नहीं कहता, थोड़ा सा कहता, लेकिन थोड़े में वो गागर में सागर भरने जैसी बात, ठीक है। तो जब ऋषि किसी ग्रंथ को, किसी वस्तु स्थिति को ऐतिह्य प्रमाण है, इतिहास ऐतिह्य प्रमाण की कोटि में आता है, तो महर्षि व्यास ने ऐतिह्य प्रमाण को संकलित किया किस रूप में, एक ग्रंथ के रूप में। महाभारत नाम का जो एक ग्रंथ है, ये भगवान कृष्ण ने नहीं लिखा। ऐसा नहीं था कि वो इधर युद्ध कर रहे थे, इधर किसी को लगा रखा था कि मैं श्लोक बोलता जाऊं और तुम श्लोक लिखते जाओ, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि उन्होंने अर्जुन को संस्कृत में समझाया और फिर संस्कृत का आर्य भाषा में अर्थ किया, ऐसा भी नहीं है। भगवान कृष्ण संस्कृत नहीं जानते थे ये नहीं कह रहा हूं, किंतु मैं एक बात कहने का यत्न कर रहा हूं। अब इसको कैसे लें, तो जिसने ग्रंथ लिखा, जिस ऋषि ने, अर्थात महर्षि व्यास ने, तो महर्षि व्यास एक ऋषि ने उन घटनाक्रमों को ऐतिह्य प्रमाण के आधार पर एक दिशा दी, एक गति दी, और गति दी अर्थात शास्त्र दिया, एक ग्रंथ दिया, जिस ग्रंथ का नाम है महाभारत। इसी महाभारत से कुछ स्थितियां निकाल करके गीता, श्रीमद् भगवद् गीता उस रूप में, महाभारत आदि से अंत तक का एक पूरा चरित्र चित्रण है, कहां पर किसका जन्म हुआ, कि राजा थे, कहां के थे, कहां तक इनका शासन था, कैसी कैसी स्थितियां थी, महाभारत समग्रता को बताता है। लेकिन गीता केवल युद्ध में स्थितियों क्या क्या थी, उन स्थितियों को वर्णित करता है। तो इसको ऐसे लीजिए, पहले तो ये ग्रंथ जो है ये भगवान कृष्ण ने नहीं लिखा, भगवान कृष्ण ने जो जो आचरण किया उस आचरण को एक दिशा दी महर्षि व्यास ने महाभारत में। महाभारत से भी ये एक थोड़ा सा कुछ निकाला गया, एक खंड काव्य इसको कह सकते हैं, खंड काव्य है ये, ठीक है। गीता, अब ये भी किसने संकलित किया, तो जो श्लोक गीता में मिलते हैं वो ऐसे कैसे सारे के सारे आपको महाभारत में नहीं मिलेंगे, तो आपको यहां पर भी एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इस पैसे लीजिए, महाभारत से भी एक खंड काव्य के रूप में ये किसी अलग व्यक्ति ने इसको संकलित किया। अब यहां पर आपके प्रश्न पर आते हैं, तो क्या इसमें प्रक्षेप भी है? चलो, यदि प्रक्षेप है भी तो क्या समस्या, प्रक्षेप कहां पर है और किस रूप में, और उस प्रक्षेप से भी, या तो एक बात है सीधे सीधे छोड़ दो, ये प्रक्षिप्त है, लेकिन प्रक्षिप्त है इसका निर्धारण कैसे हो? ये प्रक्षिप्त है ही, और इस प्रक्षेपण से कुछ नहीं लिया जा सकता, इसका आधार क्या है, इसका निर्धारण कैसे करोगे? तो इसका निर्धारण स्वाध्याय में आ तो रहा है, तो निर्धारण करते चलेंगे, यानी अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। तो क्या करें, शास्त्र भी अनंत हैं और विद्याएं भी विविध प्रकार की हैं। मनुष्य का जीवन अल्प कालो बहवह विघ्नाश्च, इस प्रकार का एक श्लोक भी आता है कि विघ्न बहुत है, रोग है, ना जाने क्या क्या है। तो क्या करे मनुष्य, हंस की भांति दूध और जल को पृथक पृथक कर ले, सार सार को ग्रहण कर ले, आवश्यक जो है, आचरण करने योग्य जो है, धारण जिसको किया जा सके, वही तो धर्म है। तो आप जो इस समय कर रहे हैं धर्म ही का तो पालन कर रहे हैं, क्या प्रक्षिप्त है क्या नहीं है वही तो देख रहे हैं। इतने सारे प्रक्षिप्तों को तो हम हटाने का यत्न ही तो कहते आ रहे हैं। देखो, श्राद्ध, तर्पण, ये परंपरा, वो परंपरा, इन सबको ये प्रक्षिप्त ही तो हुआ है। शुद्ध परंपराओं की विकृति, यही तो है प्रक्षेप, यही तो है मिलावट। क्या इन सबको हम शुद्धता की ओर लाने का यत्न नहीं कर रहे हैं? निश्चित कर रहे हैं, आगे भी करने का पूरा यत्न करेंगे। परमात्मा ने हमें देखो कितना सुंदर सामर्थ्य दिया, तो निश्चित रहिए। और चार धाम को लेकर के बड़ी श्रद्धा रहती है, मैं ये नहीं कहता, आप उस वीडियो में देखिएगा, एक वीडियो भी डालेंगे, वीडियो शूट हो गया, उसको अपलोड करेंगे, तो चार धाम पर एक बड़ी सुंदर व्याख्या, बड़ी सुंदर एक चिंतन है, उसको भी आप देखिएगा, उससे भी आपको एक बड़ी सुंदर दृष्टि मिलेगी, ठीक है। तो आज की इस कक्षा को हम यहीं रखते हैं, और आपका यदि कोई प्रश्न होगा तो उसको या तो हम कल की कक्षा में लेंगे अथवा
आप मुझे उस प्रश्न को लिख करके भेजिए कृपया, बस ये निवेदन है। आप मुझे वॉइस नोट ना दें, क्योंकि वॉइस नोट से संभव नहीं हो पाता कई बार, समय अभाव भी और अन्य भी कई कारण। ठीक है, आप सभी को बहुत धन्यवाद।